हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं एक बार फिर से आपके लिए एक मीठे की रेसिपी लेके आई हूँ। आज हम बनाएंगे सूजी के गुलाब जामुन। क्योंकि आजकल लॉकडाउन का टाइम चल रहा है, मार्केट में मावा मिलता नहीं है और घर में बनाने में बहुत झंझट लगता है, क्योंकि बहुत टाइम लगता है मावा बनाने के लिए। तो आज हम बनाएंगे सूजी के गुलाब जामुन। बहुत जल्दी बन जाते हैं, बहुत ईजी रेसिपी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले गुलाब जामुन का डो बनाकर हमें तैयार करना है। उसके लिए मैंने यहाँ पर एक पैन लिया है और इसमें एक टेबल स्पून घी डालूँगी मैं। इसमें आपको घी ही डालना है, आप ऑयल का यूज़ ना करें। इसको अच्छे से पैन में हम फैला देंगे। नॉनस्टिक पैन में बना रहे हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, लेकिन अगर आप कोई और मटेरियल लेते हैं, जैसे स्टील के किसी बर्तन में बना रहे हैं या फिर एल्युमिनियम के किसी बर्तन में बना रहे हैं, तो इस तरीके की अगर ऑयल की कोटिंग कर लेंगे तो जब हम सूजी को इसमें पकाएंगे तो वो चिपकेगी नहीं। तो घी हमारा मेल्ट हो गया है, इसमें हम ऐड करेंगे दूध। तो यहाँ पे मैं 2 कप दूध ऐड कर रही हूँ। फ्लेम को हाई रखेंगे और हम इस दूध में एक बॉईल लगाएंगे पहले। जब इस दूध में बॉईल आ जाएगा उसके बाद हम इसमें अपनी सूजी को ऐड करेंगे। तो जब तक इसमें बॉईल आ रहा है, हम सूजी के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे आपको सूजी लेनी है बारीक वाली। मार्केट में 2 तरीके की सूजी मिलती है, एक मोटी वाली और एक बारीक वाली। ये जो बारीक वाली सूजी होती है, ये वाली हमें अपने गुलाब जामुन के लिए चाहिए। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं, जो मोटी वाली सूजी होती है उसको एक बार ग्राइंडर में चला लीजिए। उसको पीसना नहीं है, जस्ट एक बार चलाना है और ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में टूट जाएगी। बस वैसा ही आपको करना है, एकदम उसका आटा जैसा नहीं बनाना है। बारीक वाली लेंगे तो फिर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, आप उसको डायरेक्ट यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने 1 कप सूजी ली है। हमारा प्रोपोर्शन रहेगा गुलाब जामुन बनाने का कि जितनी सूजी है उसका डबल हमें दूध चाहिए। अगर आप 1 कप सूजी ले रहे हैं तो 2 कप दूध डालिए, 2 कप सूजी ले रहे हैं तो 4 कप दूध डालिए। तो सिंपल सा प्रोपोर्शन है, प्रोपोर्शन आप ध्यान रखेंगे तो आपके गुलाब जामुन बहुत अच्छे बनकर तैयार होंगे। देखिए, दूध में बॉयल आ गया है, दूध अच्छे से बॉयल हो गया है हमारा। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे सूजी। तो 2 कप दूध था, 1 कप सूजी ली है मैंने। इसमें हम क्या करेंगे, एक हाथ से थोड़ी थोड़ी सूजी मिलाते जाएंगे और एक हाथ से इसको चलाते जाएंगे, क्योंकि दूध गर्म है। अगर हम एक साथ सूजी डाल देंगे तो एक जगह वो लम्स बन जाएगी और उसको तोड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो थोड़ी थोड़ी डालेंगे और चलाते जाएंगे। और इसी तरीके से हमें अपनी सारी सूजी को इस दूध के अंदर मिला देना है। फ्लेम को मीडियम रखेंगे। फ्लेम को मैंने अब बिल्कुल लो कर दिया है, बिल्कुल धीमी आंच पे हम अपनी सूजी को पकाएंगे। और इसको हमें तब तक पकाना है जब तक ये डो जैसी नहीं बन जाती है। ये बहुत जल्दी डो बन जाएगा, इसका ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। देखिए, हमारी सूजी जो है वो अच्छे से बंधने लगी है, डो जैसा बनने लगा है इसका। अब बस हम यहीं पर गैस को ऑफ करेंगे और इसको इस पैन के अंदर नहीं छोड़ेंगे, एक अलग से प्लेट में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो मैं इस प्लेट में इसको ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। थोड़ी देर के लिए इसको इसी तरीके से ठंडा होने के लिए छोड़ेंगे। पूरी तरीके से हमें इसको ठंडा नहीं करना है, हल्का गुनगुना हो जाएगा तब इस पर हम काम करना शुरू करेंगे। तो सूजी हमारी हल्की सी ठंडी हो गई है, ये इतनी हो गई है कि हम इसको हाथ लगा सकते हैं, लेकिन पूरी तरीके से ठंडी नहीं करनी है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था। तो अब क्या करेंगे, इसको अच्छे से मसल कर हमें एकदम चिकना करना है इसको। जैसे हम आटा लगाते हैं उसी तरीके से बिल्कुल एकदम चिकना करना है इसको, मसल कर। इसमें 4 से 5 मिनट आराम से लगेंगे आपको। और जब ये थोड़ा चिकना हो जाएगा उसके बाद में कुछ चीज़ें और हम इसमें ऐड करेंगे। अभी ये थोड़ा गर्म है तो अभी हम इसमें 1 चम्मच घी और मिलाएंगे, क्योंकि हमने कोई भी फैट नहीं लिया है तो फैट के लिए हमें घी ऐड करना ही पड़ेगा। 1 टेबल स्पून हमने पहले ऐड किया था जब हमने दूध बॉयल किया था, और 1 टेबल स्पून हम अब ऐड करेंगे। तो टोटल हो गए हमारे 2 टेबलस्पून हमने घी ऐड किया इसके अंदर। इस घी को भी अच्छे से मिला देंगे, इससे थोड़ा चिकनापन भी आ जाएगा हमारे डो में। और ये गरम गरम में मिलाएंगे तो तुरंत मेल्ट भी हो जाएगा। तो डो हमारा अच्छे से चिकना हो गया है, अब इसमें हम कुछ चीज़ें और ऐड करेंगे। तो यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर, इससे इसका फ्लेवर बहुत ही अच्छा आता है। और 1 पिंच ऐड करूंगी मैं बेकिंग सोडा। तो आप देख लीजिए, मैंने बिल्कुल 1 पिंच लिया है, 1 पिंच से ज़्यादा नहीं डालेंगे, नहीं तो आपके गुलाब जामुन जो है वो फट जाएंगे। इसलिए सिर्फ 1 पिंच ही हम इसमें ऐड करेंगे और इसको अच्छे से फिर से मसल लेंगे। इसको अच्छे से मसलना है ताकि हमारा जो सोडा और हमने इलायची पाउडर डाला है वो पूरे डो में अच्छे से मिल जाए।
अगर आपको लगता है कि आपका डो बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा है, वैसे तो मैंने जो इंग्रेडिएंट्स बताए हैं उसके साथ बिल्कुल परफेक्ट बनेगा, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि डो बहुत सूखा हो रहा है और गुलाब जामुन बनाते में क्रैक कर रहे हैं, तो आप उसमें 1 टेबलस्पून दूध डाल दीजिए, वो बिल्कुल से ठीक हो जाएगा वापस। तो डो हमारा बनकर बिल्कुल तैयार है। ये देखिए कितना चिकना हो गया है और बहुत सॉफ्ट डो लगा है, बिल्कुल भी टाइट नहीं है। अब इसमें से हम बराबर बराबर पोर्शन के बॉल्स निकाल लेंगे। पहले इसको बराबर पोर्शन में बांट लेंगे, उसके बाद हम गुलाब जामुन बनाएंगे। तो डो पोर्शन मैंने बांट लिया है और अब क्या करेंगे, पेड़ा लेके इसको अपने हाथ में रोल करेंगे पाम्स के बीच में इस तरीके से, और हल्का सा प्रेशर लगाएंगे और प्रेशर को धीरे धीरे रिलीज करते जाएंगे और एक बॉल जैसा बना लेंगे इसको। बॉल एकदम चिकनी होनी चाहिए, कहीं पे भी इसमें क्रैक्स नहीं होने चाहिए, अगर क्रैक्स होंगे तो ये तेल में जाकर फट जाएगा। ये देखिए इस तरीके से एकदम कहीं पे भी देखिए क्रैक नज़र नहीं आ रहा है ना, बस इसी तरीके से हमें अपने सारे गुलाब जामुन बनाकर तैयार करने हैं। एकदम चिकने बॉल्स बनाएंगे, ये देखिए एकदम क्रैक नहीं आ रहा है। अगर आपके गुलाब जामुन में क्रैक आ रहा है तो मैंने आपको पहले भी बताया कि इसमें हल्का सा दूध डाल के एक बार फिर से गूंद लें और इसी तरीके से गुलाब जामुन बना लें। तो ये सारे गुलाब जामुन मैंने बना लिए हैं और इतने डो में से करीब आपके 25 से 27 गुलाब जामुन आराम से बन जाएंगे, ये वाले साइज़ के। मीडियम साइज़ है ये, बड़े बनाएंगे तो कम बनेंगे और छोटे बनाएंगे तो और ज़्यादा बन जाएंगे। तो टोटली डिपेंड करता है कि क्या साइज़ आप बना रहे हैं, लेकिन अगर मीडियम साइज़ के बनाएंगे तो 25 से 26 गुलाब जामुन बहुत आराम से बन जाएंगे। तो इनको फ्राई करने से पहले हमें शुगर सिरप बना कर तैयार करना है, क्योंकि जब हम गुलाब जामुन फ्राई करेंगे उस टाइम हमारा शुगर सिरप जो है यानी चाशनी जो है वो बिल्कुल तैयार होनी चाहिए। तो चलिए सबसे पहले हम चाशनी बनाकर तैयार कर लेते हैं। चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 1.5 कप चीनी ली है, इसको पैन में डाल देंगे और 1.5 कप चीनी में 1.5 कप ही हम पानी डालेंगे, क्योंकि सूजी के जो गुलाब जामुन होते हैं वो चाशनी थोड़ा ज़्यादा एब्जॉर्ब करते हैं, तो उसके लिए हमें पानी थोड़ा सा ज़्यादा रखना पड़ता है अपनी चाशनी में। इसको मिलाएंगे अच्छे से, गैस को मीडियम से हाई के बीच में रखेंगे और हमें इसमें 1 तार या 2 तार की चाशनी नहीं बनानी है, इसको पहले मेल्ट करना है और उसके बाद मैं बताती हूँ कि आप और कितनी देर पकाएंगे कि हमारी परफेक्ट चाशनी बनकर तैयार हो जाए। तो पहले इसको मेल्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले इसमें हमें ऐड करना है इलायची पाउडर। तो 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर हमने डाला था अपने डो में और 1/2 टीस्पून अब हम इसमें डालेंगे, बहुत अच्छी खुशबू आती है इससे। और ये 1 पिंच के करीब मैं फूड कलर डाल रही हूँ, येलो फूड कलर है, इससे कलर अच्छा आएगा गुलाब जामुन के अंदर। ये ऑप्शनल है, अगर आप डालना चाहते हैं तो डालें, नहीं तो प्लेन बना लें। फूड कलर की जगह पे आप केसर भी डाल सकते हैं, अगर आपके पास केसर है तो उसके 2-3 धागे आप इसमें डाल सकते हैं चाशनी में, उससे भी कलर अच्छा आ जाएगा। तो चाशनी हमारी बॉयल होने लगी है, एक अच्छा बॉयल आने लगा है। अब क्या करेंगे, फ्लेम को मीडियम टू हाई पे ही रखेंगे और इसको 5 से 7 मिनट के लिए सिर्फ पकाएंगे हम, उसके बाद एक बार चेक करेंगे। तो हम चाशनी को पूरे 5 मिनट नहीं पकाएंगे, एक बार 3 मिनट के बाद हम चेक कर लेंगे। तो 3 मिनट हो गए हैं और इस तरीके से हम चेक करेंगे थोड़ा सा हाथ में लेके, तो इसमें हल्का सा चिपचिपापन होना चाहिए, तार नहीं निकलना चाहिए, लेकिन जैसे शहद होता है उतना गाढ़ा नहीं करेंगे, लेकिन शहद जैसे चिपचिपापन इसके अंदर होना चाहिए, तब तक हम इसको पकाएंगे। क्योंकि सबके गैस का टेम्परेचर अलग अलग रहता है, ज़रूरी नहीं है कि जितना मैंने रखा है उतना ही आप रखें, हो सकता है आपने हाई रखा हो या लो रखा हो, तो उसके हिसाब से थोड़ा सा टाइम इधर उधर हो सकता है। तो आप एक बार 3 मिनट या 4 मिनट बाद एक बार चेक कर लें इस तरीके से और उसी हिसाब से चाशनी को पकाएं। तो एक बॉयल के बाद मैंने इसको 5 मिनट पका लिया है और चाशनी मेरी चिपचिपेपन इसमें आ गया है, बस इसको और नहीं पकाएंगे, यहीं पे गैस को ऑफ करेंगे। अगर आपकी चाशनी ज़्यादा गाढ़ी हो जाती है तो उसके अंदर आप थोड़ा सा पानी मिला सकते हैं, अगर उसमें तार निकलने लगा है आपने ज़्यादा देर पका लिया है तो, क्योंकि अगर चाशनी गाढ़ी हुई तो वो गुलाब जामुन के अंदर तक नहीं जाएगी और गुलाब जामुन अच्छे नहीं बनेंगे, चाशनी का पतला होना ज़रूरी है। तो चाशनी को रखते हैं साइड और कर लेते हैं गुलाब जामुन को फ्राई। फ्राई करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कढ़ाई ली है और उसमें डाला है तेल, इसको हम हल्का सा गरम कर लेंगे, हमें बहुत ज़्यादा तेज़ तेल गरम नहीं चाहिए, हल्का गरम चाहिए, तो इसको बिल्कुल हल्का सा गरम करेंगे। तो तेल हमारा हल्का गरम हो गया है, इसके अंदर धीरे धीरे हम अपने गुलाब जामुन डालेंगे। एक बार में जितने आ जाएंगे सिर्फ उतने डालने हैं, बिल्कुल भी ओवरलोड नहीं करना है कढ़ाई को, नहीं तो जब हम इनको चलाएंगे तो ये टूट जाएंगे। डालते के साथ आपको इसको नहीं चलाना है, सिर्फ तेल को इसके ऊपर इस तरीके से डाल सकते हैं। अगर आप इसको तेज फ्लेम पे सेकेंगे तो
गुलाब जामुन जो है वो ऊपर से तो फटाफट से कलर ले लेंगे लेकिन अंदर से कच्चे रह जाएंगे, इसीलिए इसको लो फ्लेम पे सेकना बहुत ज़रूरी है। तो थोड़ी देर वेट करेंगे, 1 से 2 मिनट के लिए वेट करेंगे, इसको ऐसे ही सेकने देंगे। जब इस पर हल्का सा कवरिंग आनी शुरू हो जाएगी तब हम इसको टर्न करना शुरू करेंगे। ये देखिए ये हल्के हल्के सिकने शुरू हो गए हैं। अब इनको क्या करेंगे, इस तरीके की चम्मच ले लेंगे छोटी और इस तरीके से हल्का हल्का हम इसको टर्न करते जाएंगे और इसी तरीके से टर्न करते हुए हम इसको बिल्कुल गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। एक बात का और ध्यान रखना है, हमें गुलाब जामुन को नहीं पलटना है, इस तरीके से चम्मच को बीच में हिलाएंगे तो ये अपने आप टर्न होते जाएंगे और सिकते जाएंगे, क्योंकि अगर चम्मच का किनारा इसके अंदर लग गया तो ये फट जाएंगे। तो इस तरीके से आप तेल को हिलाते रहिए, गुलाब जामुन अपने आप टर्न करते रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से क्योंकि तेल बहुत गर्म है। तो देखिए गुलाब जामुन सिक कर हमारे बिल्कुल तैयार हैं, कितना प्यारा कलर आया है। इसको हम निकाल लेंगे ऑयल से। इस तरीके की कोई भी एक जाली ले लीजिए और इसमें अपने सारे गुलाब जामुन निकाल लीजिए ताकि इसका जितना भी एक्सेस ऑयल है वो इस जाली के थ्रू वापस कढ़ाई में चला जाएगा। और अब क्या करेंगे, हमें इनको बिल्कुल ठंडा नहीं करना है, एकदम गर्मा गर्म ही हमें अपनी चाशनी के अंदर डालना है। तो डाल लेते हैं इसको। तो ये रही हमारी गर्मा गर्म चाशनी, इसके अंदर जो हमने गुलाब जामुन फ्राई किए हैं इसको ऐड कर देंगे। चाशनी भी गर्म होनी बहुत ज़रूरी है। इसको इसी तरीके से हम इसके अंदर अच्छे से डुबा के छोड़ देंगे, एक चम्मच से इसको इस तरीके से डुबा देंगे। पूरी चाशनी में अच्छे से ये डिप हो जाने चाहिए, इस तरीके से हमें इसको डुबाना है। और करीब 10 से 15 मिनट के लिए हम इसमें छोड़ देंगे और 15 मिनट के बाद हमारे गुलाब जामुन जो है वो बिल्कुल खाने के लिए तैयार हो जाएंगे। इसी तरीके से हम सारे गुलाब जामुन सेक के तैयार कर लेंगे और अपनी चाशनी में डाल देंगे और 15 मिनट बाद मैं आपको इसका रिज़ल्ट दिखाती हूँ। ठीक है, गुलाब जामुन बनकर हमारे बिल्कुल तैयार हैं, बहुत ही अच्छे गुलाब जामुन बनकर तैयार हुए हैं। मैंने इनको 15 से 20 मिनट के लिए चाशनी में डुबा कर रखा था और चाशनी में जब हम डुबाएंगे तो चाशनी हमारी बहुत गर्म होनी चाहिए तभी ये अच्छे से रस पिएंगे। तो मैं एक कट करके दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए कितना सॉफ्ट बना है और बिल्कुल अंदर तक, ये देखिए चाशनी इसके अंदर चली गई है और काफ़ी दानेदार बना है। कोई कह नहीं सकता कि हमने इसको सूजी से बनाया है, बहुत ही बढ़िया और बहुत ही अच्छे बने हैं। देखिए कितना सॉफ्ट है, बिल्कुल बस ऐसे चम्मच डालने से यूं ही कट जा रहा है आराम से। तो बनाइए इस रेसिपी को और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये कैसी लगी। वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक करें, अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर मेरे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।